वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या इक्वेशन है, m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर m माइनस 1 जो है ये एज इट लिख लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 है, उसको भी लिख लेते हैं। और यहाँ पर 1 का 1 माइनस एम माइनस 2, और जो है ये बाय 3, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में हम 3 लिख लेते हैं, सही है। ये क्वेश्चन भी इसी तरह लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने इसको 2 को डिनोमिनेटर में लिख लिया इसी तरह। आपकी मर्जी है कि आप जो है पहले क्वेश्चन जो है जैसे भी हो, ठीक है, तो आप अरेंज कर लें, मतलब डिनोमिनेटर में इस तरह जैसे मैंने लिखा है ना, इस तरह लिख लें, सही है, फिर ईजी होता है सॉल्व करना। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, ठीक है। यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं और इस साइड पे भी एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम लें तो 2 ही आता है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 कितनी ज़्यादा 2 होता है, 2 ज़्यादा, तो 2 को m से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 को m से करें तो 2m आ जाता है, ठीक है। ये माइनस का माइनस आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो नोमिनेटर भी सेम आ जाएगा एज इट m माइनस 1। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर बाहर माइनस है तो अंदर साइन अभी चेंज कर लें इसी स्टेप में या नेक्स्ट स्टेप में कर लें। तो हम इसी स्टेप में क्या करते हैं, नहीं करते, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, साइन चेंज कर लेंगे। और इसी तरह यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लें तो 3 आता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 कितनी ज़्यादा 3 होता है, 3 ज़्यादा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाता है। माइनस का माइनस, डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर भी एज इट आ जाएगा एम माइनस 2। इसको भी ब्रैकेट में रहने देते हैं क्योंकि बाहर माइनस है, इसी तरह यहाँ भी हमने ब्रैकेट में ही आया है और बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होने नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल m है तो इसकी पावर 1 ही है, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होती, 1 ही होती है हमेशा। तो यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अब क्या आ जाएगा, हम अब साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस m आ जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, समझ आया। बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये सिंपल प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साइंस को मल्टीप्लाई करवा दे। डिनोमिनेटर में 2 का 2 आ गया इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ भी साइन चेंज हो जाएंगे, हमारे पास 3 का 3 है और यहाँ पर माइनस एम और यहाँ पर साइन चेंज होकर माइनस से प्लस आ गया और 2 आ गया, समझ आया, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। डिनोमिनेटर में 3 का 3 आ गया। अब आपकी मर्जी है, इस स्टेप पे आप ये कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है कि या तो आप मल्टीप्लाई करवा दें बोथ साइड्स बाय 6, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम लें तो 6 आता है, तो यहाँ भी फिर कटिंग हो जाएगी और यहाँ पर भी, और जो रह जाएगा उसको हम सॉल्व कर लें। बल्कि एक और काम कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है ना कि आप इस तरह करें, वो नेक्स्ट स्टेप करने के बाद फिर करें, ठीक है, देखें, क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं था, मैंने देखे यहाँ पर कि 2m और m है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2m में से m को माइनस कर दें तो m आ जाएगा और प्लस 1 का प्लस 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 का 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 में 2 को प्लस करें तो 5 आता है और माइनस एम का माइनस एम आ गया और डिनोमिनेटर में 3 का 3 आ गया। इस स्टेप के बाद अब या तो आप मल्टीप्लाई करवा दें बोथ साइड्स बाय 6, ठीक है, इधर भी और इधर भी, और या आप ये कर लें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें, तो दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों तरह आंसर सेम ही आना, ठीक है। बेशक आप वो काम कर लें कि मल्टीप्लाई करवा दें बोथ साइड्स बाय 6 या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसने इससे मल्टीप्लाई हो जाना है और इसने इसने इससे हो जाना है, तो m प्लस 1 ने 3 से होना है तो हम यहाँ पर m प्लस 1 दोनों ने होना है तो उसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और 3 का 3 आ जाएगा। इसी तरह इज इक्वल टू 2 ने मल्टीप्लाई होना है 5 माइनस m से तो 2 का 2 और ब्रैकेट में हम 5 माइनस m कर लेते हैं। 3 को m से भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को 1 से भी करना है, तो 3 को 1 से किया तो 3 आ गया, इज इक्वल टू 2 को 5 से भी करना है, 2 को m से भी करना है, तो 2 को 5 से किया तो 10 आ गया, माइनस 2 को m से किया तो 2m आ गया। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर कि 3m है तो 3m का 3m आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 2m है, यहाँ पर तो ये माइनस हो रहा है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको पता है जब भी इक्वेशन में हमारे पास इक्वल से जो टर्म इधर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। 10 का 10 यहीं पे है तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। 3 ये वाला जब हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस 3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 3।
ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेरिएबल इसमें m है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसलिए 3m में 2m को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 5m आता है, और इज इक्वल टू 10 में से 3 को माइनस करें तो 7 आता है। m यहीं पर रहेगा, इज इक्वल टू 7 भी यहीं पर रहेगा, 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये कटिंग भी नहीं होता तो m की वैल्यू आ गई 7/5। समझ आया? यहाँ पर देख लें एक दफ़ा कि क्या किया था हमने। ठीक है, जस्ट ये लिखा हुआ था, मैंने इसको भी डिनोमिनेटर में लिख दिया, देन एलसीएम ले लिया इधर भी, फिर मैंने क्या किया कि माइनस था तो अंदर साइन चेंज कर दिया इधर भी और इधर भी, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया जो सेम थे, सेम टर्म्स थी, फिर जो रह गया उसको वैसे लिखा, इसी तरह से इन कॉन्स्टेंट टर्म्स को प्लस कर लिया और एम वैसे ही रह गया। फिर क्या हुआ, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद फिर क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंदर टू भी अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, देन हम लोगों ने क्या किया, एम वैल्यू टर्म्स को एक तरफ कर दिया, कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ कर दिया, और एम की वैल्यू फाइंड आउट होगी। समझ आया? तो मैंने इसी टॉपिक पे और भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं, इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ, सॉल्व द इक्वेशन के नेम से प्ले लिस्ट है, फिर जो सॉल्व इक्वेशन करते हैं और चेक भी करते हैं उस पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं मैंने, ठीक है, और जो सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उन पर भी बनाई हुई हैं, तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं जो आपको वीडियो चाहिए। होप सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।